वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास है हम लोगों की यूपी पीसीएससी सेट हिंदी की तीसरी क्लास होगी, है ना। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको यूपी पीसीएस टॉपिक वाइज हिंदी मिल जाएगा, आप उसमें पहली और दूसरी क्लास देख लीजिएगा, इससे चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट होंगी। देखिए आज हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार पे। वर्ण विचार मतलब इसमें आज मुख्य रूप से हम लोग वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन का डिस्कशन करेंगे। विस्तृत डिस्कशन होगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, एक धमाकेदार क्लास होगा। और एक निवेदन है आपसे, जब भी आप क्लास को देख रहे हैं ना, आप इसको ऐसा समझ के पढ़िएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं, है ना, और आपको पेन और कॉपी के साथ पढ़ाई करना है। पेन और कॉपी के साथ मतलब जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस होगी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे चीज़ें स्टोर रहेंगी और बार बार वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए अब क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र दिया गया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, है ना। और आप हमें टेलीग्राम पे @studyforcivilservices सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम लोग प्ले स्टोर पर भी हैं, प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है वर्ड, है ना। वर्ड की बात करेंगे, वर्ड क्या होता है। वर्ड को अक्षर भी कह सकते हैं, अक्षर भी कहा जाता है ना। वर्ड या अक्षर इसकी बात किया जाए क्या होता है। देखिए सार्थक मौखिक ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब जो सार्थक मौखिक ध्वनि निकलती है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ ना जो आप बोल रहे हैं जिसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब सामान्य तौर पर ना वर्ड का टुकड़ा नहीं किया जाता है। अगर वर्ड का टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। तो वर्ड क्या आपको स्पष्ट हो चुका है, अभी एग्जांपल्स हम लोग आगे समझेंगे। आपको बस यहाँ से इतना याद रखना है कि मौखिक ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला क्या होगा। अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के उच्चारण के आधार पर, मतलब जो वर्ड है ना उनको जब उच्चारित किया जाता है के आधार पर व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए अब वर्णमाला की बात करेंगे ना, आप जिस भाषा की बात करेंगे चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, मतलब जो भी भाषा है ना, उसमें कुछ ना कुछ विशेष अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को एक क्रम में सजाया जाता है, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप हिंदी में देखेंगे ना अ से ज्ञ तक चीज़ों को सजाया गया है ना, तो अ से ज्ञ तक क्या है, वर्णमाला है। आप अंग्रेजी की बात करेंगे ए टू जेड लिखा गया, तो ए टू जेड क्या है, इंग्लिश की वर्णमाला मतलब अल्फाबेट है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर या 52 वर्ड होते हैं, ये आपको मतलब आसानी से पता भी होगा और नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही इसी स्टैंडर्ड पे तो सबको पता है कि कुल 52 अक्षर है, ठीक है। वर्णमाला को कैसे कैसे विभाजित किया गया, स्वर व्यंजन और अयोगवाह में विभाजित किया गया, मतलब जो वर्णमाला है ना इसको स्वर व्यंजन और अयोगवाह में विभाजित किया गया। देखिए स्वरों की जो संख्या होती है ये हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, पहले 14 स्वर रहते थे, ठीक है, बाद में कुछ स्वरों को हटाया गया, अभी 11 स्वर है। व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की संख्या 39 है, ठीक। इसका विस्तृत स्वरूप हम लोग आगे समझेंगे, है ना। 39 में जो शुद्ध व्यंजन है वो 33 है, बाकी 6 कहाँ से है उसके बारे में भी विस्तृत वर्णन होगा। और अयोगवाह की संख्या 2 है। देखिए 11 और 39 यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 और 39 आपका 50 हो जाएगा, 50 और 2 52, तो कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे स्वर का, बात करते हैं स्वर क्या होते हैं। देखिए ऐसा वर्ण जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र उच्चारण का मतलब है कि इसके उच्चारण के लिए आपको किसी भी अन्य वर्ण के अन्य अक्षर या वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ, है ना, ये टोटल 11 स्वर है, है ना। अब इन 11 स्वर की मात्रा भी होती है ना, अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, अ की कोई मात्रा नहीं होगी। आ की अगर बात करेंगे तो आ की मात्रा, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे स्पष्ट, है ना। चलिए आ की बात करेंगे तो आ की मात्रा ये होती है ना, ये आ की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा ऐसे रहती है। मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, रुकिए यहाँ पे इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, अब लिखते हैं, अब ज़्यादा स्पष्ट होगा, ठीक। कलर ये रखते हैं। देखिए अगर आ की बात करेंगे तो ये आ की मात्रा होती है ना, एक खड़ी पाई रहेगी, है ना। ई की बात करेंगे, देखिए ये छोटी ही होती है ना,
ये बड़ी की मात्रा होती है ना, ये छोटा उ है, ये बड़ा उ है ना। इसके बाद री की बात करेंगे तो री की मात्रा ये होती है ना, ये ए की मात्रा है ना, ये ए की मात्रा है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे ए दो बार आ गया, ये ए है, ठीक है, ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है ना, ये औ की मात्रा है। तो आप यहाँ से मात्रा को भी क्लियर कर सकते हैं कि इनके मात्राएं होती है, ठीक। इसको आगे विस्तार में हम लोग समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्वरों का भेद, मतलब स्वर को ना कैसे वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे मैं देखिए खाली हेडिंग लेकर आया हूँ, अब हेडिंग के बाद हर चीज़ मैं आपको लिखकर समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो और आप साथ में नोट्स बनाते चले। तो जब स्वरों के भेद की बात करेंगे तो जब कभी भी ना किसी चीज़ का वर्गीकरण किया जाता है तो आप जिस प्रकार से आधार परिवर्तित करेंगे उसी प्रकार से उसका वर्गीकरण भी परिवर्तित होता जाएगा। आधार का मतलब कि किस बेस पर आप उसको देखने जा रहे हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की बात करेंगे तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो तरीके के, एक है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा है आपका संधि स्वर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर मतलब जो उत्पत्ति है, देखिए मूल स्वर, ये संधि को संयुक्त भी कह सकते हैं। मूल स्वर मतलब ये देखिए स्वयं से उत्पन्न है, स्वयं से मतलब इसकी उत्पत्ति में ना इसको बनाने में किसी और की सहायता नहीं लिया गया, ये स्वयं से उत्पन्न है, स्वयं से उत्पन्न है ना, स्वयं से उत्पन्न। और अगर इसकी बात करेंगे देखिए उत्पन्न, ठीक है, स्वयं से उत्पन्न, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये मूल स्वरों के योग से बनता है, ठीक है ना, ये मूल स्वरों के योग से बना है, मूल स्वरों के योग से, तो ये मूल स्वरों के योग से बना। अब देखिए इसमें ना इसमें टोटल आपके चार होते हैं, ये चार हैं, चार में कौन है, अ ई उ और इसके बाद री, ये चार ऐसे है ना, ये आपके मूल स्वर है, मतलब ये इनकी उत्पत्ति में किसी की भी सहायता नहीं ली गई। अब यहाँ पे संधि स्वर की बात करेंगे तो संधि स्वर मतलब मूल स्वरों के योग से बने, इनकी संख्या टोटल सात होती है, ये दो समूहों में बटे हैं, दो समूहों में बटे हैं, दो समूह कौन कौन से, एक होते हैं दीर्घ, है ना, दीर्घ मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि स्वर रहेगा। इसमें क्या होगा ना, देखिए दीर्घ में समान वर्ण मिलते हैं, समान वर्ण मतलब इसे अ और अ के मिलने से आ बनेगा, ठीक, छोटी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बनेगा, छोटा उ और छोटा उ मिलने से बड़ा उ बनेगा, तो यहाँ पे दीर्घ होता है, ठीक है। इस तरीके से एक होता है संयुक्त संधि स्वर, है ना। अगर संयुक्त संधि स्वर की बात करेंगे तो संयुक्त संधि स्वर में क्या होता है, इसमें अलग अलग वर्ण मिलते हैं, जैसे देखिए अ और ई, है ना, इसके मिलने से क्या बनता है, ए बनता है, ए बन जाएगा। इसी तरीके से अ और बड़ी ई के मिलने से ए बन जाएगा, है ना, अ और बड़ी ई, ठीक है, अ और उ मिलने से ओ बन जाएगा, अ और बड़ा उ मिलने से औ बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बोल के स्पष्ट किए, कुछ मैंने लिख के स्पष्ट किया है, उम्मीद है कि आप इसको क्लियर कर लिए होंगे, आप इसका नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे स्वर दो तरीके का है, मूल स्वर, संधि स्वर। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। देखिए मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वर मतलब ये स्वयं से उत्पन्न है, संख्या कितनी है, चार है, अ ई उ री, है ना। अब संधि स्वर क्या होता है, मूल स्वरों के योग से बना है, संख्या सात है, है ना। इसमें दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, इसमें सजाती स्वर मिलते हैं, मतलब अ है तो अ से अ मिलेगा, अ ई है तो ई से ई मिलेगा, है ना, मतलब छोटे छोटे स्वर मिलके यहाँ पे दीर्घ स्वर बनाते हैं, ठीक। और संयुक्त में क्या होता है, दो अलग अलग वर्ण मिलते हैं, जैसे अ और ई मिलके ए बनाएगा, अ और बड़ी ई मिल करके ए बनाएगा, है ना, अ और उ मिल करके ओ बनाएगा, अ और बड़ा उ मिल करके औ बनाएगा। तो ये उत्पत्ति के आधार पे ये पूरा भेद आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, है ना, अगला स्लाइड ये रहा, है ना। अब यहाँ पे अगले स्लाइड में वापस से कलर अपना पुराना लेते हैं, दिया है उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल मतलब कि बोलने में कितना समय लग रहा है ना, उच्चारण काल मतलब आप उसको उच्चारित करने में आपको कितना समय लग रहा है, इस बेसिस पे बात किया जाएगा। तो उच्चारण काल के आधार पे इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। ये तीन ग्रुप क्या क्या है समझ लेते हैं। देखिए एक है ह्रस्व स्वर, है ना, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है इसको प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर, है ना। देखिए हस्त स्वर की बात करेंगे तो हस्त स्वर क्या होता है, इनके उच्चारण में ना बहुत ही कम समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, एकदम बहुत ही कम, है ना, अल्प समय। अब दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर में ये होता है ना कि उच्चारण काल में अल्प से दोगुना समय लगता है, अल्प से दोगुना, है ना, मतलब अल्प से ज्यादा लगेगा, ठीक। और यहाँ पे प्लुत की बात करेंगे तो इसके उच्चारण काल में अधिक समय लगता है, अधिक समय। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर इसकी बात करेंगे ना, इसको देखिए ये होता है अ ई
छोटी ही रहेगा, है ना, उ छोटा हो और यहाँ पे री, है ना। ये चारों जो है ना ये हस्त स्वर है, हस्त स्वर मतलब इनके उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब दीर्घ स्वर की बात कर, सॉरी हाँ दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो आ, है ना, बड़ी ई, बड़ा उ, है ना, ओ औ मत ए, ए, तो ये सब आपके होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। मतलब इन चारों को छोड़ के ना जितना हम लोगों ने 11 में लिखा था ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लुत की बात करेंगे, प्लुत क्या होता है, देखिए प्लुत में ना ये किसी को बुलाने में, कोई चीज़ गाने में वहाँ पे यूज किया जाता है। इसका अक्सर से देखिए संस्कृत में आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, मान लीजिए हे राम लिखना है तो हे ऐसे लिखा रहता है राम, है ना। अब इसका मतलब ये है ना कि आप इसको अ का उच्चारण करेंगे लेकिन ये काफ़ी देर तक चलता रहेगा। जैसे आपने किसी को बुलाया सुनो, है ना, तो लास्ट में ये हो जाएगा। जैसे ओम का जाप किया जाता है तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं प्लुत स्वर। देखिए हस्त स्वर उच्चारण काल में बहुत ही कम, मतलब एक मान लेते हैं एक पल का समय लगेगा, इसमें इससे दो गुना दो पल का समय लगेगा, और इसमें क्या होगा मोर देन टू, मतलब यहाँ पे दो से ज़्यादा का समय लगेगा। तो उच्चारण काल के आधार पर इसको कैसे वर्गीकृत किया गया ये भी आपका स्पष्ट हो चुका है। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, देखिए उच्चारण काल अलग चीज़ है और उच्चारण स्थान अलग चीज़ है। स्थान मतलब जब आप अगर वर्ड को बोलने जा रहे हैं ना तो उस वर्ड की ध्वनि कहाँ से निकल रही है इसकी बात की जा रही है। तो हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर इसको कैसे वर्गीकृत किया गया। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो अ आ, मैं पहले सबको लिख के फिर समझ, देखिए अ आ है ना, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, मतलब अ और आ। देखिए आप बोल के चेक कीजिए ना, अ आ, आपके कंठ मतलब गले के हल्का सा ऊपर वाइब्रेशन होगा ना, अ आ है ना, कंठ के ऊपर वाइब्रेशन है, ठीक है। अब अ आ के बाद अगर बात करेंगे ई ई, है ना, ई ई जो है ना इसका उच्चारण स्थान है तालव्य या तालु, आप इसको तालु भी बोल सकते हैं या फिर तालव्य भी बोल सकते हैं, इसका उच्चारण स्थान ये हो जाएगा अ आ ई ई, है ना। अब बात करेंगे हम लोग उ उ, है ना, उ उ के उच्चारण स्थान की बात करेंगे उ उ, देखिए इसमें किसकी किसका हेल्प लिया जा रहा है, इसमें ओष्ठ का है, मतलब ओठ का हेल्प लिया जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, है ना। इसके बाद री, है ना, री की बात करेंगे तो री आपका ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, उच्चारण स्थान मूर्धन्य, ठीक, ये हो जाएगा। अब री के बाद ना देखिए ए, देखिए आप ध्यान दीजिएगा ए और ए, आपने पीछे जब देखा था ए ए कैसे बना था, अ और ई से मिलके बना था, मतलब जब ए और ए बोलेंगे ना तो अ वाला समूह और ई वाला समूह इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये कंठ तालव्य हो जाएगा, मतलब कंठ की भी सहायता लिया जा रहा है और मतलब तालु की भी सहायता लिया जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, है ना। ऐसे जब हम लोग बात करेंगे ओ औ, है ना, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए ओ औ की अगर बात करेंगे, ओ औ कैसे बना था, अ से और उ से बना था, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ या कंठ और ओष्ठ जैसे भी आप लिखना चाहें कंठोष्ठ, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये उच्चारण स्थान है ना, इस तो आप यहाँ से आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अ अ कंठ है, ई ई तालु है या तालव्य है, उ उ ओष्ठ है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ए ए कंठ तालव्य है, ओ औ कंठोष्ठ है ना। यहाँ से आप आसानी से उच्चारण स्थान पर भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे अगला डेटा ये दिया है जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप बोल रहे हैं ना तो उसको बोलने में आपकी जीभ की स्थिति क्या हो रही है उसके बारे में चीज़ों को समझना है। तो देखिए जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा ना जिह्वा की ऊंचाई, या फिर ये इसमें ऐसे भी मान लेते हैं कि कितना मुख खुला रहेगा, मतलब किसी वर्ड को बोलने में आपका मुख कितना खुलेगा। तो इसमें देखिए जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले विवृत, है ना, विवृत स्वर, है ना, वृत्त स्वर की अगर बात करेंगे, वृत्त स्वर जब बोलेंगे ना तो आपका मुख द्वार पूरा खुला रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ, है ना, आ, आप उच्चारण करके देखो आ, है ना, आपका मुख पूरा खुला रहेगा, तो इसको विवृत्त कहते हैं, ठीक। अब आगे इसमें आता है अर्ध विवृत्त, है ना, अर्ध विवृत्त, अगर अर्ध विवृत्त की बात करेंगे ना, अर्ध विवृत्त में क्या होगा कि आपका मुख द्वार आधा खुलेगा, जैसे ए औ, है ना, ए अ और औ, है ना, ए और औ, इसमें मुख द्वार आधा खुला रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अर्ध संवृत्त, है ना, अर्ध संवृत्त, है ना, अर्ध संवृत्त की बात करेंगे तो इसमें मुख द्वार ना बहुत, मतलब इससे ना थोड़ा सा कम खुलेगा, जैसे ए और ओ, थोड़ा सा इससे कम खुलेगा। और अंतिम होता है जो आपका ये होता है संवृत्त, है ना, संवृत्त में मुख द्वार एकदम ही कम खुला रहता है, जैसे संवृत्त, है ना। जैसे देखिए ई, बड़ी ई, ऊ
बड़ा ऊ, है ना। तो ये रहा इसके उच्चारण के स्थान पे, मतलब जब सॉरी जिह्वा के ऊंचाई के आधार पे। विवृत मतलब मुख पूरा खुलेगा, आ। अर्धविवृत इससे थोड़ा सा कम खुलेगा, है ना। अर्धसवृत इससे थोड़ा सा कम खुलेगा, और सवृत एकदम कम खुलेगा। तो ये जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर रहा। ठीक, अगले स्लाइड पर देखिए। अब यहाँ पे दिया कुछ प्रमुख तथ्य। अब ये प्रमुख तथ्य मतलब जैसे मान के चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना कि जो पेपर में मतलब आते हैं लेकिन यहाँ पे पीछे डिस्कस नहीं किया गया, तो इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है तथ्य। अब ये स्वर से जुड़ा हुआ है, इसमें अयोग वाह भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए इसमें जो अनुस्वार होता है, अभी मैंने देखिए अनुस्वार की बात करेंगे। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब देखिए इसका जो उच्चारण स्थान है ना, मतलब इसमें ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि नाक से निकलती है अनुस्वार, है ना। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक, अनुस्वार के बाद एक होता है अनुनासिक। इसमें अनुनासिक की बात करेंगे। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुँह दोनों से निकलता है, नाक और मुँह दोनों से निकलता है। ठीक, इसके बाद एक और तथ्य है निरानुनासिक, है ना। निरानुनासिक अगर इसकी बात करेंगे, निरानुनासिक इसमें जो ध्वनि है ना ये सिर्फ मुख से निकलता है। तो यहाँ पे मैंने खाली हल्का सा ये डिस्कशन किया, जब अभी व्यंजन पूरा पढ़ा लेंगे तो लास्ट में इसको एकदम विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा किसका मतलब क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए स्वर हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर ले। स्वर सॉरी फ्रेंड्स, स्वर में इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन में क्या है? व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, मतलब अगर आप व्यंजन को स्वतंत्र रूप से बोलना चाहेंगे तो आप नहीं बोल सकते। इसे स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, मतलब व्यंजन का अगर आपको उच्चारण करना है तो स्वर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। व्यंजन में स्वर की ध्वनि अंतर्निहित होती, मतलब अगर आप व्यंजन बोल रहे हैं ना, जैसे आपने क बोला, क है ना, आपने ख बोला, तो इसमें देखिए लास्ट में क, लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है ना, ख लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है। तो व्यंजन जब भी बोलेंगे ना तो इसमें स्वर की ध्वनि अपने आप अंतर्निहित होती है। यदि व्यंजन को स्वतंत्र रूप से लिखना हो, मतलब लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे। जैसे देखिए आपने क लिखा है ना, और क्या मैं यहीं पर लिखता हूँ। देखिए आपने क लिखा, तो इसमें पता है अगर आपने ऐसे लिखा है ना तो इसमें ये मान लिया जाएगा कि इसमें अ का मतलब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मिला हुआ है। अगर स्वतंत्र व्यंजन लिखना है तो आप क लिख के ऐसे नीचे हलंत लगाएंगे, है ना, ये है ना। जैसे आपने ख लिखा तो ऐसे नीचे हलंत लगाएंगे, आपने ग लिखा नीचे हलंत लगाएंगे, तो ये माना जाएगा कि इसमें अ शामिल नहीं है, है ना। अब हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 39 है। अभी हम लोग 39 को लिख रहे हैं, फिर एक एक करके इसका विस्तृत वर्णन करेंगे, है ना। 39 है जिसे 5 समूहों में बांटा गया है ना। देख लेते कौन कौन। देखिए स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? देखिए क से लेकर के म तक, है ना। क ख ग घ अंग मतलब क वर्ग, च छ ज झ इय च वर्ग, ट ठ ड ढ अड ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, और प प ब भ म प वर्ग। अब इसमें ना जो 25 है इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है? य र ल और व, ये 4 जो है ना ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, अंतस्थ के बाद बात करेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन है 4, इसकी ये जो है स ख स और ह, ये 4 जो है ना ये उष्म व्यंजन है ना। इस तरीके से बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे इनकी भी संख्या 4 है। जैसे देखिए कौन कौन है? छ त्र ज्ञ और स्र, है ना। अभी आगे विस्तार से वर्णन करेंगे कि कौन किससे बना है। जैसे छ किससे बना है, त्र किससे बना है, ज्ञ कैसे बना है, स्र कैसे बना है। और द्विगुण व्यंजन की बात करेंगे। जैसे देखिए ड है ना, ड के नीचे एक बिंदी लगा दिया जाएगा। जैसे ढ है, ढ के नीचे एक बिंदी लगा दिया जाएगा। इसको ड पढ़ते हैं, इसको ढ पढ़ते हैं। जैसे देखिए पढ़ता है ना, पढ़ता, इसमें आपने ड बोला है, जैसे पढ़ेगा है ना, इसमें ढ बोला है आपने, तो इस तरीके से रहेगा। तो ये टोटल आपके 39 व्यंजन है। मैंने आपको छोटा सा इसका झलक मतलब दिखाया यहाँ पे कि ये किस हिसाब से बनेगा। देखिए स्पर्श व्यंजन 25 है, क से म तक, अंतस्थ य र ल व, उष्म स ख ह स ह, है ना, संयुक्त छत्र ज्ञ स्र, और द्विगुण ड और ढ, है ना। तो ये हो गया। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, है ना। उच्चारण स्थान मतलब जब इसका उच्चारण किया जाएगा तब व्यंजन कैसे बनेगा। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है ना, आज हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, स्पर्श व्यंजन है ना। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करेंगे, जैसे देखिए क वर्ग है ना, मैं खाली वर्ग लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है कि क वर्ग का मतलब क ख ग घ
अंग, ये पांच आएंगे, है ना। अब आगे मैं सिर्फ वर्ग वर्ग लिखने से देखिए, च वर्ग, च छ ज झ ञ, ठीक है, ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड, त वर्ग, त थ द ध न, अप वर्ग, प फ ब भ म, ये आपके टोटल 25 हो जाएंगे, है ना। देखिए इसका जो उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक। इसका जो च वर्ग है ये है तालु, ठीक है। इसके बाद जो ट वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। इसके बाद जो त वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है दंत, और जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, है ना। तो यहाँ पे मैंने सबका उच्चारण स्थान लिख दिया, है ना। देखिए कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यहाँ से 25 क्लियर हो जाएगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी आप क्लियर कर सकते हैं, के टी एम डी ओ, है ना, के टी एम दो, है ना। इस ट्रिक से आप आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे और 25 आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोग की आज की क्लास रही है ना। अब इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग महसूस होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स बनाना है। इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ क्लास है उसको डन करेंगे और साथ में कुछ PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना, सभी लोग पूरा, और इसका नोट्स बनाइएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।